चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। चलिए, मेरी बुक का जो टाइटल था वो टाइटल था खूबसूरती पर दाग। ठीक है, तो इस टाइटल को लिखने का एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है इसके पीछे, कि मोस्टली ऐसा क्या होता है ना कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। मोस्टली मैंने गर्ल्स के साथ देखा हुआ है, तो क्या होता है कि जब आपके साथ एसिड अटैक्स होते हैं, या मोस्टली कह सकते हैं कि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, या आप बहुत गरीब है और फिर आपके पेरेंट्स ने हाथ पैर तोड़ के आपसे भीख मंगवाई है, तो ऐसे केसेस बहुत देखे मैंने। तो मुझे लगा कि नहीं यार, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ लिखना चाहिए। तो फिर मैंने इस टॉपिक पे कुछ लिखा हुआ है एंड आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए फिर सुनाते हैं आप लोगों को स्टोरी। इस स्टोरी के स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि इसे आप प्लीज़ छपाक मूवी से रिलेट मत कीजिएगा। ठीक है, ये मूवी उससे रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, दोनों की स्टोरी बहुत ही डिफरेंट थी। ठीक है, तो इसे बिल्कुल भी रिलेट मत कीजिएगा। मुझे लगा काफ़ी लोग करेंगे, इसलिए मैंने उन्हें पहले डिस्क्लेमर दिया हुआ है। ठीक है, तो प्लीज़ इसे कोई रिलेट मत करना मूवी से। ठीक है, स्टार्ट कर स्टोरी को। कहते हैं कि अगर कोई शख्स बहुत खूबसूरत है और अचानक उस पर कोई दाग लग जाए, तो कहीं ना कहीं वो लोगों की आंखों में खटकने लगता है। एक्चुअल में ऐसा है कि पता है ना कि जब आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो एक टाइम पे, ठीक है, और अचानक से आपके साथ कोई इंसिडेंट हो जाए, उसके बाद आपकी खूबसूरती पर जो दाग लग जाते हैं, या आपके आपका कोई इंजरी हो गई बहुत तगड़ी वाली, मेजर इंजरी हो गई, उसके बाद फिर आपके वो निशान वगैरह छूट जाते हैं ना, तो मोस्टली क्या होता है, इसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो ये चीज़ें मैंने गर्ल्स के साथ भी देखी है, बॉयज़ के साथ भी देखी है। तो मैंने यहाँ पर फिलहाल तो गर्ल्स के लिए स्टोरी लिखी हुई है, बॉयज़ के लिए जल्दी लिखूंगी, अगर कोई हो ऐसा तो बताना मुझे। ठीक है, एक लड़की के लिए उसकी खूबसूरती से ज़्यादा और कुछ नहीं होता। आज भी हमारे समाज में लोग खूबसूरती देखकर ही प्यार और शादी करते हैं। इस बात पे ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जो डिसएग्री हो, सब कोई एग्री होगा। कहते सब लोग हैं कि नहीं, हमें खूबसूरती से कोई मतलब ही नहीं है, मगर जब भी लड़की की बात आती है या लड़के की बात आती है ना, सबसे पहले इंसान फ़ोटो मांगता है। अगर आपकी प्रोफाइल फ़ोटो पे फ़ोटो नहीं लगी है तो इंसान कहेगा कि मैं आपको देखना चाहता हूँ। अरे क्यों देखना चाहते हो भाई, ऐसे ही प्यार करना है तो ऐसे ही प्यार कर लो। नहीं, खूबसूरती देखकर ही प्यार करना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये फैक्ट है, शादी भी आप बिना किसी की शक्ल देखे नहीं कर सकते हो। तो ये जो कहते हैं ना लोग कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो मैं उन्हें याद दिला दूँ कि खूबसूरती देखकर ही लोग आज भी प्यार और शादी दोनों करते हैं। ठीक है, और ये सोच आज भी जिंदा है हमारे लोग, आज के समाज के लोगों में ये बात भी सच है। आप जितना भी कह ले, लोग कहते हैं कि नहीं 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 ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर है, फैक्ट है भाई, एक्सेप्ट कर लो यहाँ पे। और अगर कोई उसकी खूबसूरती पर दाग लग जाए, तो यही ज़माना उसका जीना हराम कर देता है। इस बात पे भी कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो यहाँ डिसएग्री करे। ठीक है, सब एग्री होंगे कि अगर आप अचानक से बहुत खूबसूरत थे, ठीक है, एग्जाम्पल ले लो किसी का भी, बहुत खूबसूरत थे, कि अचानक से फिर उस पर लड़की पर एसिड अटैक हो गया, ख़त्म हो गया ना सारा खेल, तो वहीं कौन ही लड़का होगा। एक तो इंसान को ना वो देखना भी पसंद नहीं करता है, सच बोल रही हूँ मैं, यहाँ पे कोई झूठ नहीं है, ऐसा ही होता है। आप खूबसूरत हो, अचानक से आपकी चोट लग जाए या एसिड अटैक हो जाए, तो खूबसूरती चली जाती है वहाँ पर। इसीलिए मेरी बुक का टाइटल खूबसूरती पर दाग है। इस स्टोरी में जो एक लड़की थी, उसकी भी खूबसूरती पर जो दाग लगा है ना, वो एक्चुअल में बहुत गहरा था उसके ऊपर, उसकी लाइफ में भी बहुत असर पड़ा है। तो मेन स्टोरी अब यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, आज आपको मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, वो एक लड़की की खूबसूरती पर लगे दाग के ऊपर है। अगर किसी के साथ कुछ गलत हो जाता है, तो कैसे वो ज़िंदगी में आगे बढ़ता है, और अपने ऊपर लगे दाग को वो कैसे अपने उसे एक नई पहचान बनाता है। तो ऐसे होता है ना कि लाइफ में, कि अचानक से सब कुछ आपकी लाइफ में एक चेंजिंग मोमेंट आता है। बहुत से लोग तो वहीं पे छोड़ देते हैं सारी होप वगैरह, मगर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लाइफ में उससे रिलेटेड आगे बढ़ते हैं और फिर उसी चीज़ों से ओवरकम करते हैं, लोगों को भी मोटिवेट करते हैं। तो ये चीज़ें आती हैं लाइफ में लोगों की। एक्चुअल में ये रियल स्टोरी नहीं है, ये मेरी इमेजिनरी स्टोरी है, तो प्लीज़ ये रियल नहीं है। ठीक है, मैंने खुद को यहाँ पे इमेजिन किया हुआ है कि अगर लाइफ में मेरे साथ ऐसा होता तो मैं कैसे लाइफ को फेस करती, मैं कैसे आगे बढ़ती। तो यहाँ पे मैंने अपने आप को फेस किया हुआ है। ठीक है, अपने आप को रखा था यहाँ पर। तो आते हैं हमारी कहानी की हीरोइन के बारे में सुनने। ठीक है, ये कहानी है रिया नाम की लड़की की, जो बड़ी ही टैलेंटेड और खुशमिजाज लड़की थी। उसे शब्दों के साथ खेलना यानी राइटिंग करना और पेंटिंग करना दोनों ही बहुत पसंद था। उसे ज़िंदगी जीने का बड़ा शौक था, नई चीज़ें करना, मस्ती करना, घूमना फिरना, सब कुछ उसे बहुत पसंद था। मगर रिया सिर्फ एक ही चीज़ से बड़ा परेशान रहती थी। होता है ना कि जब आपके पास सारी खुशियाँ होती, तो ऐसा कोई ना कोई एक चीज़ होती है जो आपको दुख देती है। अगर आप फ्रेंड्स के साथ हैप्पी हो, फैमिली के साथ हैप्पी हो, और अगर आपकी लाइफ में जो लव लाइफ होती है ना वो ख़राब हो ना, तो
ज़्यादा परेशान रहते हो। तो सेम यहाँ पर भी है, रिया के पास सारे टैलेंट थे उसके, सब कुछ था, मगर सिर्फ एक चीज़ ऐसी थी जो उसे हमेशा पीछे खींचती थी, और वो क्या थी अब आगे सुनिएगा। उसके चेहरे पर लगा वो दाग, जैसे वो दाग रिया का मनोबल गिरा देता था, उसे जीने से रोकता था, मगर उसकी नानी हमेशा उसे हौसला देती थी कि आगे बढ़ो और देखना एक दिन यही दाग तुम्हारी पहचान बनाएगा। ये बात सच है कि जब ऐसा होता है ना कि आपकी लाइफ में एक चेंजिंग मोमेंट आता है, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो टूट जाते हैं उस टाइम पे, और फिर सब कुछ ख़त्म हो जाता है वहाँ पे मोस्टली लोगों के साथ। तो सेम रिया के साथ भी वही था, जब उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ तो उसे लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ ख़त्म हो जाए मेरा, पकड़ नहीं, उसकी नानी ने उसको हौसला दिया और आगे बढ़ने का जज्बा दिया। रिया बचपन से अपनी नानी के पास पली बड़ी है, क्योंकि रिया जब 6 साल की थी तभी उसकी माँ ने सुसाइड कर लिया था। रिया के साथ जो कुछ भी हुआ वो काफ़ी दर्दनाक है, तो आगे की स्टोरी आप लोग प्लीज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। रिया जब 6 साल की थी तभी उसकी माँ ने सुसाइड कर लिया था। रिया के पापा का अफेयर किसी और लड़की के साथ हो गया था, और वो रिया की माँ को डाइवोर्स देना चाहते थे। होता है ना कि जब आपका चक्कर किसी और से चल रहा होता है तो जाहिर सी बात है आपको पुराने लोग तो बेकार लगते हैं, उन्हें तो नए लोग अच्छे लगते हैं। सेम रिया की माँ के साथ हुआ था, रिया के पापा का अफेयर कहीं और चल रहा था, अब वो रिया की मम्मी को डाइवोर्स देना चाहते थे, तो जाहिर सी बात है रिया की माँ और रिया कहाँ जाते। इसीलिए मगर उसकी माँ रिया को लेकर कहाँ जाती, इसीलिए इस गम में आकर की माँ रिया ने नानी के हवाले कर दिया और ख़ुद सुसाइड कर लिया। तो हुआ यूँ कि मतलब अब उसकी माँ इस टाइम पर रिया को लेकर और समाज की बुराइयों के साथ कहाँ जाती। आपको तो पता ही है समाज में लोग ताना देने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, ऐसे भर भर के ताने मारते हैं ना कि कोई कसर ही नहीं होती है। तो सेम यही था, तो बेचारी रिया की माँ क्या ही करती, तो इसीलिए उन्होंने रिया को नानी के हवाले सौंप दिया और फिर खुद सुसाइड कर लिया था। उसके बाद ही कुछ दिनों बाद रिया के पापा ने नई शादी कर ली थी। रिया की माँ का तो काम खत्म हो गया ना, उन्होंने सुसाइड कर लिया, अब तो क्या था पापा उसके और इंडिपेंडेंट हो गए, आराम से उन्होंने शादी कर ली। नहीं, रिया अपनी नई माँ को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो बेवजह उसे दिन भर डांटती थी, उससे काम करवाती थी, चाहे वो कितना भी कर ले उसके पापा से हर रोज़ डांट खिलाती थी। वो तो कैसे भी करके रिया को घर से बाहर निकलवाना चाहती थी। अब कौन सी माँ को पसंद होगा कि उसके घर में उसकी सौतन की बेटी रखे, बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो रखते हैं, नहीं तो किसी को पसंद नहीं होता है। और ऐसा होता है ना कि एडजस्टमेंट बच्चों को भी करना पड़ता है कभी कभार, अब नई माँ आई है कैसी होगी, सब कुछ एडजस्ट करना पड़ रहा था। वैसे तो रिया की माँ को रिया बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, और अब रिया को भी अपनी माँ नई वाली माँ बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। क्यों? क्योंकि काम करने के बावजूद जब आप किसी को डांटोगे तो जाहिर सी बात है कौन एक पसंद करेगा काम करना आपका। सेम रिया के साथ भी था, वो जितना भी काम कर ले उसे पापा से हर रोज़ डांट खानी पड़ती थी। एक दिन रिया के पापा की जॉब छोड़ गई। अब यहाँ पर जो है ना रिया की लाइफ में जो चेंजिंग मोमेंट रहा है वो सुनिएगा। यहाँ से ही रिया की लाइफ बहुत ख़तरनाक हो गई थी और बहुत दर्दनाक हो गई थी। आई डोंट नो उसने कैसे हैंडल किया है, आप लोग जानिएगा कैसे हैंडल किया उसने। एक रिया के पापा की जॉब छोड़ गई, हर घर में पैसों की कमी हो गई। पैसों की कमी होने की वजह से रिया के पापा दिन रात शराब पीने लगे थे। अब तो रिया की नई माँ को रिया और भी खटकने लगी थी, जाहिर सी बात है। अब आपके घर में अगर ऐसा कोई चेंजिंग मोमेंट आ जाए, आपके पापा की जॉब छूट जाए, पापा डिप्रेशन में हैं, मोस्टली ऐसे पापा कहना नहीं चाहिए मगर होते हैं कि जो डिप्रेशन में आके गलत कदम उठाने लगते हैं, जैसे रिया के पापा ने किया, शराब पीने लग गए थे। सेम ऐसे ही उसके साथ हुआ। अब रिया के पापा जब शराब पीने लगे तो सारा पैसा जितना सेविंग्स का था वो सब भी जाने लगा धीरे धीरे। अब रिया की माँ को रिया और भी खटकने लगी थी कि भाई अब हमारा तो खाना हो नहीं पा रहा है, अब हमें उन्हें भी खाना खिलाना है, उन्हें भी पालना है, कैसे पालेंगे। सेम इसीलिए बस रिया की माँ को तो वो रिया और भी खटकने लग गई थी। वो तो चाहती थी कि कैसे भी करके वो रिया को और उसकी नानी को दोनों को घर से बाहर निकलवा दे। सिंपल है, अब अगर आपके पेरेंट्स को पसंद नहीं होंगे आप तो वो तो घर से बाहर निकलवा ही देंगे। तो सेम रिया के साथ भी हो रहा था, उसे उसकी माँ नहीं पसंद थी और उसकी माँ को रिया पसंद नहीं थी। सब कुछ करने के बावजूद रिया की माँ चाहती थी कि वो अपने हस्बैंड के साथ एक अकेले हैप्पी मैरिड लाइफ करे, मगर ये पॉसिबल नहीं था। कहते हैं ना कि सौतेली माँ हमेशा सौतेली ही होती है, इस बात पे कोई शक नहीं है। ज़बरदस्ती उसकी माँ ने चाल चलकर घर में लड़ाई लड़वा दी, क्योंकि घर में पैसों की कमी थी। उसकी माँ ने सोचा क्यों ना रिया का फ़ायदा उठाया जाए। अब जाहिर सी बात है अगर पैसों की कमी आएगी तो इंसान अपना जुगाड़ ढूंढेगा, तो उन्हें रिया एक सहारा मिल गया और रिया की माँ ने ऐसे चाल चली कि बेचारी रिया का जीना हराम हो गया। रिया के पापा से उसकी नई माँ ने कहा
कि रिया से अब भीख मंगवाओ ताकि घर में कुछ पैसे आ सके, क्योंकि सारा पैसा तो उसके पापा शराब पी के ही खत्म कर चुके थे, तो बचा ही क्या था सेविंग्स के नाम पे। इसीलिए बस उसकी माँ ने रिया को, रिया के पापा से कहा कि अब आप रिया से भीख मंगवाइए, बस अब और कोई चारा ही नहीं बचा था उनके पास भी। रिया के पापा उस वक्त शराब के नशे में थे और उन्हें ज़रा भी दया नहीं आई और उन्हें अपनी ही बेटी को, इसके आगे मैं बोलने के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस कर रही हूँ यहाँ पर, मगर क्या करें, बोलना पड़ेगा। उनके पापा नशे में थे और उन्होंने अपनी ही बेटी का चेहरा जला दिया और उससे भीख मंगवाई। ये मोमेंट सबसे ज़्यादा मुझे ख़राब लगता है यहाँ पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा दर्द यहाँ पे ही झलकता है, क्योंकि सब कुछ तो ठीक चल रहा था यार, वो हैप्पीली अगर कुछ अरेंज करती तो हो सकता था सब कुछ, नहीं उसकी माँ बिल्कुल नहीं पसंद करती थी रिया को, इसीलिए उसका चेहरा जलवा दिया उसकी माँ ने। आप सोच सकते हैं कि कैसी होगी उसकी माँ एक्चुअल में। अब बेचारी रिया का, रिया की लाइफ में चेंजिंग मोमेंट यहीं से आ गया। सबसे ज़्यादा दर्दनाक स्टोरी यहाँ से होती है, क्योंकि बेचारी का एक तो चेहरा जला गया, खूबसूरती जो थी उस पर तो दाग लग गया, अब वो कैसे लाइफ में आगे बढ़ती है ये सब आप लोगों को देखना चाहिए और सीखना भी चाहिए एक्चुअल में, तो देखिएगा। इतना सब हो जाने के बाद जैसे तैसे नानी रिया को लेके एक नए शहर आ गई। अब इतना सब हो जाने के बाद बेचारी नानी से भी अपनी रिया की हालत देखी नहीं जा रही थी, बेचारी रिया को वो कैसे इतने दर्द में छोड़ सकती थी, इसीलिए वो लेकर एक नए शहर में आ गई। उसकी नानी ने रिया को अपने दम पे पढ़ाया और बड़ा किया। आप सोचिए इतनी एज में होने के बावजूद उन्होंने रिया को पढ़ाया, पाल पोस के बड़ा किया, सारा सब कुछ किया, क्योंकि उसकी रिया की जो माँ थी ना, उन्होंने एक जिम्मेदारी दी थी कि अब आपको ही संभालना है रिया को, सब कुछ आपको करना है। अब तो नानी के ऊपर एक जिम्मेदारी थी और एक उनकी लाडली बेटी भी थी एक तरह से, तो सब कुछ उन्हें देखना था, तो इसीलिए उन्होंने बहुत अच्छे से उसे पाला पोसा, बड़ा किया, सब कुछ कराया जो वो करना चाहती थी। नानी ने उसकी ज़िंदगी तो बदल दी, मगर अफसोस वो रिया के चेहरे पर लगा दाग नहीं मिटा सकी। नानी ने उसकी पढ़ाई के लिए, उसके पालन पोषण के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी, जो वो चाहती थी वो सब कुछ करवाया, कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी, मगर इंसान किसी की किस्मत थोड़ी ना बदल सकता है। अब अगर उसकी किस्मत में ऐसा दर्द लिखा हुआ था तो बेचारी नानी क्या ही कर सकती है। अब उसके चेहरे का लगा वो दाग तो नहीं मिटा सकती थी, मगर हाँ उसे जीने का हौसला और जिम्मेदारी सब कुछ किया उन्होंने। रिया 21 साल की हो गई थी और अब वो जॉब करना चाहती थी। रिया ने एक कंटेंट राइटिंग की जॉब के लिए अप्लाई किया। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि रिया जो थी उसको राइटिंग करना बहुत पसंद था, पेंटिंग करना बहुत पसंद था, तो उसने सोचा क्यों ना हम इस राइटिंग स्किल्स में ही आगे बढ़ते हैं। तो उसने क्या किया कि एक कंटेंट राइटिंग की जॉब के लिए अप्लाई किया और उसे अगले दिन इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। किस्मत देखी बेचारी की कितनी खुशनसीब है, वो इस दिन जॉब के लिए अप्लाई किया और नेक्स्ट डे उसे इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया। यहाँ पर जो एक लव स्टोरी स्टार्ट होने वाली है उसे आप लोग पर्सनली फील कीजिएगा, आपको वो लव स्टोरी ना अपने खुद से अच्छी लगेगी। आप जब उस जगह पे अपने आप को रखोगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और ये मॉरल ऑफ द स्टोरी भी रहेगी, तो उसे सीखना ज़रूर लाइफ में, ठीक है। अब इंटरव्यू के लिए तो नेक्स्ट डे उसे बुलाया गया था। अगले दिन सुबह होते ही रिया जाने के लिए तैयार हो गई। बस वो निकलने ही वाली थी कि उसकी नज़र उसके चेहरे पर पड़ गई। अब जैसा कि आपको पता है कि बेचारी का चेहरा तो जल गया था, तो जाहिर सी बात है वो खुले चेहरे में तो कहीं नहीं जाएगी ना, उसे वो कवर करेगी या छुपाएगी। सेम वही था, उसने भी अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश करी। जब रिया जब भी कहीं बाहर जाती थी तो वो अपने चेहरे को किसी दुपट्टे से ओढ़ कर जाती थी ताकि वो किसी को दाग ना दिखे और उसका एक गलत इम्प्रेशन ना लोगों पर पड़े। मगर उसे काफ़ी डर था इस बात का कि कहीं उसके दाग की वजह से लोग उसे पसंद ना करें। उसको लग रहा था कि उसकी जॉब कहीं चली ना जाए, लोग उसका चेहरा देखकर रिजेक्ट ना कर दे उसे या उसे ले ही ना, क्योंकि दाग लग गया बेचारी के चेहरे पर। रिया घर से निकलते ही मेन रोड में पहुंची। ये थोड़ी सी रियल लगेगी आपको स्टोरी, मगर ठीक है, यहाँ पे ट्विस्ट भी बहुत अच्छा है, ध्यान से सुनिएगा मोस्टली लोग जितने भी हैं। रिया घर से निकलते ही मेन रोड में पहुंची, वो टैक्सी ढूंढ रही थी, उतने में ही तेज़ हवा चलने की वजह से उसका दुपट्टा उड़ गया और एक लड़के के चेहरे से जा लिपटा। अब यहाँ पर लव स्टोरी स्टार्ट हो रही है। सोचिए, जब कहते हैं ना कि हीरो या हीरोइन की एंट्री होती है तो तेज़ हवाएं बहुत चलती है, तो मैंने यहाँ पर तेज़ हवा चला दी थी बिल्कुल, ठीक है। तो क्या था कि मतलब रिया ने चेहरा अपना कवर कर रखा हुआ था, मगर हवा चली और उसका चेहरे का दुपट्टा उड़ गया और वो उस लड़के के जाके चेहरे पर पड़ गया। अब आप सोचिए वो लड़का कौन होगा, आखिर कौन होगा वो लड़का।
उसका दुपट्टा उड़ गया और एक लड़के के चेहरे से जा लिपटा। अब रिया ने पहले अपने बालों से अपना चेहरा छुपाया। अब दुपट्टा तो उड़ गया था तो उसे कवर करने के लिए कुछ तो चाहिए था ना, तो उसने अपने बालों से आगे किया, अपने बालों को और अपने चेहरे को कवर किया उसने। फिर वो दुपट्टा लेने गई। जिस लड़के के चेहरे पर दुपट्टा लिपटा था उसका नाम समीर था। ये लड़का कोई आम लड़का नहीं था। जिस कंपनी में रिया इंटरव्यू देने जा रही थी ये उसी कंपनी का बॉस था। सोचिए जिस रिया की खुशनसीबी देखिए, रिया जिस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रही थी उसी कंपनी का बॉस था वो। कितना हैप्पी मोमेंट रहा होगा उसके लिए। वो जानती नहीं थी कि वो उसका वहाँ का बॉस है, ठीक है। वो दोनों एक दूसरे के लिए अभी अनजान थे, ठीक है। अब आप सोचिए कि जिस कंपनी के बॉस से जाके वो दुपट्टा लिपटा है तो या तो वो एंग्री मैन होगा या तो फिर कोई रोमांटिक सीन क्रिएट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्रिएट होता है यहाँ पर। अब लड़के का नाम जो है वो समीर है, ठीक है। जैसे ही समीर ने दुपट्टा हटाया उसने रिया को देखा। वो सांवली रंग की थी। अचानक हवा का तेज झोंका दोबारा आया और रिया के बाल उसके चेहरे पर से हट गए। मतलब एक बार हवा के झोंके से काम नहीं चला था, ठीक है, तो उसे दो बार आना पड़ा था। एक बार में तो उसने रिया के चेहरे पर जो दुपट्टा था उसको हटाया, उसके बाद दूसरी बार में उसने क्या किया, बालों को भी हटा दिया और फाइनली रिया का जला हुआ चेहरा उसके सामने आ गया। अब जाहिर सी बात है आपके सामने भी अगर कोई ऐसी लड़की आ जाएगी या कोई लड़का आ जाएगा जिसके चेहरे पर कोई दाग लगा हो या जला हुआ निशान हो तो आप डर तो जाएंगे, थोड़ा अजीब सा बिहेव करेंगे थोड़ा। समीर ने भी ऐसे ही किया। समीर को वो दाग देखकर बड़ा ही वो हैरान हो गया था कि आखिर रिया के साथ ऐसा क्या हुआ होगा। जब तक वो सवाल पूछता रिया उससे दुपट्टा छीन के ले गई और उधर समीर भी ऑफिस के लिए निकल गया। तो हुआ कुछ यूं था कि नॉर्मली समीर को वो देखकर थोड़ा अजीब तो लगा कि यार पता नहीं क्या हुआ होगा उस लड़की के साथ, थोड़ा इमोशनल हो गया था वो। मगर जब तक वो सवाल पूछता रिया आई, उसने दुपट्टा छीना और वो चली गई। अब समीर उसके पीछे तो दौड़ेगा नहीं, तो सब जाहिर सी बात है अनजान एक दूसरे के लिए दोनों। नॉर्मली वहाँ से उन्होंने दुपट्टा लिया और वो चली गया। समीर अपने ऑफिस के लिए निकल गया और जो हमारी रिया मैडम थी वो अपने इंटरव्यू के लिए निकल गई। अब कहानी में ट्विस्ट आता है यहाँ पर। उन दोनों की मुलाकात होती है दोबारा ऑफिस में। समीर ऑफिस पहुँचते ही अपने कैबिन में बैठ गया था और सबका इंटरव्यू लेना शुरू कर देता था। अब जाहिर सी बात है ऑफिस का जो बॉस था वो समीर है, जिसके साथ मुलाकात ऑलरेडी रिया की हो चुकी थी। अब उसके बाद अब वो ऑफिस के लिए निकल चुका था, तो अब ऑफिस पहुंचा वो, फिर उसने धीरे धीरे सबका इंटरव्यू लेना स्टार्ट किया। रिया का भी इंटरव्यू था, ठीक है, आगे सुनिए। इंटरव्यू जब उसने लेना स्टार्ट किया तो एक केस ऐसा हुआ कि उसे अभी तक किसी का कुछ अच्छा नहीं लग रहा था कंटेंट। उसको लग रहा था सब ऐसे टाइम पास करके लिख देते हैं, ठीक है। उसे अभी तक किसी का भी लिखा हुआ बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब अगला नंबर रिया का था, मतलब जितने भी राइटर्स वहाँ पे बैठे हुए थे उनका लिखा उसको समीर को पसंद ही नहीं आ रहा था, नहीं तो वो किसी को भी फाइनल कर देता। अब उसे पसंद नहीं आ रहा है तो वो जाहिर सी बात है आगे बढ़ेगा, आगे लोगों को बुलाएगा। तो उसने फिर रिया को बुलाया। रिया जब अंदर जाती है तो वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। जाहिर सी बात है हम उन्हें देखकर तो वो चौंकेगा ही ना कि यार ये लड़की, इससे तो अभी मिल के आए थे हम। रिया के मन में चल रहा होगा यार ये तो जिससे अभी मेरा दुपट्टा लिपट गया था, उड़ के चला गया था, मुलाकात हुई दोनों की। मगर वहाँ समीर के साथ और भी लोग थे, इसीलिए समीर ने रिया से कुछ पूछा ही नहीं। जाहिर सी बात है वो कैसे पूछता है, इतने सारे लोगों के बीच में बैठा हुआ था वो, तो उसने नहीं पूछा। समीर को ना जाने क्यों रिया के लिखा शब्दों में एक अलग ही दर्द नजर आ रहा था। उसने तुरंत उसे जॉब के लिए हाँ बोल दिया। अब क्या था कि समीर को सब जब समीर ने उसका कंटेंट लिखा हुआ सुना तो उसे वो बहुत अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि रिया जब लिखती थी ना तो वो अपना दर्द लिखती थी वहाँ पे कि उसके साथ लाइफ में क्या हुआ है, कैसा उसका पास्ट रहा है, सब कुछ वो लिखती थी। सेम ऐसे ही वो भी था आराम से, उसने भी जब उसका कंटेंट सुना उसे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। उसने एक बार में रिया को सुनते ही उसने जॉब के लिए उसको ऑफर दे दिया कि हाँ यू विल बी सेलेक्टेड। रिया बहुत खुश हो गई थी और सबसे पहले घर जाते ही उसने नानी को खुशखबरी बताई। नानी ने इतने सालों में आज पहली बार रिया को खुश देखा था। जो इंसिडेंट उसके साथ हुआ उसके बाद से रिया बहुत कम खुश रहती थी। कौन ही खुश रहेगा यार इतना दर्द मिला हो लाइफ में, और अब रिया के लिए एक खुशखबरी की बात थी ये कि उसे इतना बढ़िया चांस मिला है, जॉब करने का ऑफर मिल गया है, सब कुछ मिल गया है उसे अब तो। अब रिया हर रोज़ ऑफिस जाने लगी थी। समीर हर रोज़ उसे देखता था मगर उसे रिया का छुपा हुआ चेहरा बिल्कुल पसंद नहीं था। अब
रिया जाती थी ऑफिस या कहीं पे भी जाती थी, वो अपने चेहरे को कवर करके जाती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका ये जो भी इंसिडेंट उसके साथ हुआ है वो किसी और को पता चले। अब रिया को ऑफिस में काम करते हुए पूरा 1 महीना हो गया। उसके काम से लोग इतना खुश थे और कंपनी को भी बहुत प्रॉफिट हो रहा था, इस वजह से समीर ने उसका प्रमोशन कर दिया। अब रिया इतना अच्छा काम कर रही होगी तो जाहिर सी बात है लोगों को काफ़ी पसंद आएगा, लोगों ने उसका काम देखा, सब कुछ उन्हें अच्छा लग रहा था और धीरे धीरे लोग उससे खुश होने लग गए थे। रिया ये देखते ही बहुत खुश हो गई थी और उसने समीर को शुक्रिया बोला। समीर ने उससे कहा, क्या तुम मुझे प्रमोशन की पार्टी नहीं दोगी? जाहिर सी बात है जब कोई आपको प्रमोशन कर रहा है, आपके बॉस, तो आप लोग करो, अब तो पार्टी देनी पड़ेगी, सर ने बोला है। तो फिर समीर ने उससे पार्टी मांगी तो उसने कहा, ज़रूर सर, क्यों नहीं देंगे। वो दोनों फिर कॉफ़ी शॉप पर गए, एक दूसरे से काफ़ी देर बात की और आखिर में समीर ने रिया से पूछा कि तुम्हारे चेहरे पर ये जला हुआ दाग कैसा है। रिया ये बात सुनते ही वहाँ से भाग गई। वो कभी नहीं चाहती थी कि उसके पास्ट की बातें वो किसी से बताए या किसी को पता चले या वो याद करे। अब वो दोनों जब बातें कर रहे थे तो उसने सोचा समीर ने कि क्यों ना अब हम इससे पूछ ही लेते हैं। तो उसने जब पूछा तो वो बहुत एम्बेरस्ड फील करने लग गई कि यार मैं सर को क्या जवाब दूंगी, तो उससे अच्छा उसने भागना वहाँ से ज़्यादा सही लगा उसको, इसलिए वो वहाँ से भाग गई। समीर को इस बात का बेहद दुख था कि आखिर क्यों उसने ये बात पूछी, और रिया को भी बहुत बुरा लगा कि उसे ऐसे बीच में छोड़ के नहीं आना चाहिए था। कब तक वो अपनी सच्चाई से भागेगी? अब जाहिर सी बात है अगर आपकी लाइफ में कुछ गलत हो रहा है तो अगर आप कब तक भागते रहोगे, कभी ना कभी तो वो चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेगी ना। तो सेम उसके साथ भी था, उसे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑड लग रही थी और फिर वो भाग गई वहाँ से। फाइनली उसने सोच लिया था कि अब भी अगर कोई आगे पूछेगा ना तो मैं उसको सही सही जवाब दूंगी वहाँ पे। अगले दिन सुबह होते ही रिया और समीर दोनों ने ही तय कर लिया था कि आज वो एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि दोनों ही, एक तो समीर को ऐसे सवाल नहीं पूछना चाहिए था ऐसा उसे लगता था, और रिया को बुरा ये लग रहा था कि मुझे ऐसे बॉस के साथ बीच में एक कन्वर्सेशन छोड़ के नहीं आना चाहिए था। दोनों ही एम्बेरस्ड फील कर रहे थे और उन्होंने सोचा था कि नेक्स्ट डे हम लोग माफ़ी मांगेंगे एक दूसरे से। दोनों जैसे ही ऑफिस पहुँचते हैं फिर एक दूसरे से मिलने जाते हैं, मगर दोनों की मुलाकात रास्ते में ही हो जाती है और दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। तो फाइनली वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। और इस बार रिया ने समीर से बोला, क्या हम कॉफ़ी पर चल सकते हैं? लास्ट टाइम समीर ने बोला था कि क्यों ना हम लोग चलते हैं कॉफ़ी पर, क्योंकि मुझे तुम्हारी प्रमोशन पार्टी चाहिए। मगर इस बार रिया ने पूछा कि क्या सर आप मेरे साथ जाना पसंद करेंगे? देखिए समीर क्या कहता है। समीर ने कहा, क्यों नहीं, चलते हैं हम दोनों। दोनों ही कॉफ़ी शॉप पर जब जाते हैं और बैठ के एक दूसरे से बातें करते हैं, बातों ही बातों में अब रिया ने तय कर लिया था कि आज वो समीर को अपना सच बताएगी। अब दोनों की नॉर्मली कन्वर्सेशन होती है, फिर दोनों एक दूसरे से नॉर्मली बात करते हैं। तो अब की बार रिया ने सोचा था कि ऐसा कोई सीन नहीं क्रिएट करेंगे, नॉर्मली अगर सर पूछेंगे तो मैं उसका जवाब दूंगी और नॉर्मली सब बताऊंगी कि जो भी उसका पास रहा है लाइफ में। जैसे ही वो बताना शुरू करती है वो काफ़ी डर जाती है कि पता नहीं समीर क्या सोचेगा उसके बारे में। उसको लग रहा था कि कहीं ये सच्चाई सुनकर उसकी जॉब ना चली जाए, कहीं समीर उसे नापसंद ना करने लग जाए। मगर समीर उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसकी बात को समझेगा और किसी को नहीं बताएगा। रिया अब संतुष्ट होकर समीर को सब बताती है और आखिर में दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब जब रिया अपनी लाइफ की स्टोरी बताना स्टार्ट करती है और इतना बुरा पास्ट रहा है उसका, तो बुरा तो लगेगा ही यार, जाहिर सी बात है। उसे डर भी था इन सब चीज़ों का कि कहीं पता नहीं कैसे लोग रिएक्ट करेंगे, समीर कैसे उसकी कहीं जॉब ना छूट जाए, हर चीज़ का उसे डर लग रहा था। तो डर जायज़ भी था, पूरा उसकी जगह पर उसे डर लगता। इसीलिए रिया ने बहुत संतुष्ट होकर और समीर ने भी उसे भरोसा दिलाया कि वो उसकी बातों को समझेगा, सुनेगा और ध्यान से समझेगा भी। लास्ट में जब वो सारी सच्चाई बताती है समीर को, बताते बताते दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग था समीर बहुत ज़्यादा, ऐसे लड़के बहुत कम मिलते हैं लोगों को कि वो आपकी लाइफ को सुनना पसंद करते हैं, आपकी लाइफ में क्या हुआ है वो समझते हैं। समीर के दिल में कहीं ना कहीं रिया के लिए प्यार आता जा रहा था और उसे रिया के साथ कुछ अपनापन सा लगता था। अब क्या था कि धीरे से जब उसे ये सारी सच्चाइयाँ पता चल गई ना, अब तो उसे लगता था कि यार लड़की में कुछ तो बात है। जो भी बात, दोनों की नॉर्मली कन्वर्सेशन चलती है, एक दूसरे से बातें करते हैं वो दोनों, और फिर धीरे धीरे प्यार बढ़ता जाता है समीर के दिल में। दिन पर दिन वो बेहद प्यार करने लगा था। रिया के दाग उसे कोई मतलब नहीं था, उसको रिया के दाग से कोई मतलब ही नहीं था। उसे नहीं मतलब था कि यार कैसी लड़की है, चेहरे पर क्या हो गया इसके, यार कैसे लोग एक्सेप्ट करेंगे उसे।
समीर को सिर्फ और सिर्फ रिया से मतलब था। ये पार्ट मुझे मेरी स्टोरी का बहुत अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि लाइफ में ऐसे बहुत कम ही लोग मिलते हैं जो आपको आपकी बुराइयों के साथ एक्सेप्ट करते हैं। सेम इसके साथ भी यही हुआ। जब आपको कोई आपकी बुराइयों के साथ आपको एक्सेप्ट करता है, सेम इसके साथ भी यही था। समीर ने कभी ये नहीं सोचा था कि रिया कैसी लड़की है, क्या कुछ हुआ है उसके साथ और कैसी बदसूरत हो गई है, वो ये सब नहीं सोचा था। उसे सिर्फ और सिर्फ रिया पसंद थी। समीर ने अब तय कर लिया था कि वो अपने दिल की बात ज़रूर बताएगा रिया को, इसीलिए उसने छोटा सा कैंडल लाइट डिनर पे उसे बुलाना सही समझा। समीर ने जब रिया से अपने दिल की बात कही तो उसने साफ मना कर दिया, क्योंकि रिया समीर की ज़िंदगी नहीं बर्बाद करना चाहती थी। लोग किसी भी तरह उस पर उंगली उठाएं ये समीर या समीर की बुराइयां करें, ये वो नहीं चाहती थी। एक्चुअल में रिया ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी कि समीर की लाइफ में कभी भी कोई दिक्कत आए। अब जाहिर सी बात है, समाज उस पर उंगली तो उठाएगा ही कि लड़कियों की कमी थी क्या जो तुम्हें ऐसी बदसूरत लड़की से शादी करनी पड़ी, क्या तुम्हारे अंदर कोई कमी थी क्या जो तुम्हें ये इस लड़की से शादी करनी पड़ी। समाज बहुत तरीके से आपके ऊपर उंगलियां उठाता है। सेम दोनों के साथ भी यही था। समीर ने तो एक बार भी नहीं सोचा कि यार ऐसा क्या सोचेगा समाज मेरे बारे में, उसके पेरेंट्स क्या सोचेंगे, मगर रिया सोच रही थी। रिया नहीं चाहती थी कि समीर को कोई भी तरीके की डिफ़िकल्टीज फेस करे। वो प्यार तो दोनों करते थे, मगर हाँ कभी कभार आपको अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब देखनी पड़ जाती हैं। सेम रिया भी देख रही थी, उसका बुरा नहीं चाहती थी, वो अच्छा चाहती थी। कहीं ना कहीं रिया भी समीर से प्यार करने लगी थी, मगर वो अपने उस दाग की वजह से पीछे हट रही थी। जाहिर सी बात है, वो नहीं चाहती थी कि उसके दाग की वजह से लोग समीर पे किसी भी तरीके से उंगली उठा सके, इसीलिए वो पीछे हट आ रही थी। फिर समीर ने उसे समझाया कि वो चाहे जैसी भी है। अब यहाँ पर जो है ना बेस्ट पार्ट है मेरी स्टोरी का, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, ज़रा गौर से सुनिएगा इसको। समीर ने उसे समझाया कि वो चाहे जैसी भी है, मुझे वैसी ही बहुत पसंद है, मुझे उस दाग से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ उसे पसंद है। तो समीर को पसंद आई, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ सीन क्रिएट हो, इसीलिए समीर ने उसको क्लियरली बोला कि देखो ऐसा है, मुझे सिर्फ तुमसे प्यार है, तुम्हारे चेहरे से प्यार नहीं है, तुम्हारे चेहरे को लेकर मैं फोटो फ्रेम में थोड़ी ना चढ़ाने वाला हूँ। तो जाहिर सी बात है यार, इसीलिए वो जैसी भी है मुझे बहुत पसंद है, मुझे उस दाग से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ तुमसे प्यार है रिया। हाँ काश ये लाइन मैं भी टैग लाइन ऐसे करके ना फोटो फ्रेम पे लगवा के दीवार पे चिपकाती थी। बहुत तगड़ी लाइन है ये, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है एक्चुअल में। ये बात सुनते ही जैसे रिया बहुत खुश हो गई कि जैसे उसका सपना पूरा हो गया हो। हर सी बात है, हर लड़की चाहती है कि उसकी लाइफ में एक अंडरस्टैंडिंग लड़का मिले उसे, और रिया को समीर मिल रहा था जो कि उसे बहुत ज़्यादा समझता था, सब कुछ करता था उसके लिए, एग्जैक्टली जैसा वो चाहती थी वो बिल्कुल वैसा ही था। फिर क्या, समीर ने रिया को प्रपोज़ किया और आखिर रिया ने उसे हाँ बोल दिया। फाइनली दोनों की हैप्पीली स्टोरी स्टार्ट हो गई और दोनों की शादी हो गई लास्ट में, सब कुछ अच्छा अच्छा हुआ। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है यहाँ पर कि सच में प्यार रंग रूप नहीं देखता, सिर्फ दिल देखता है। उसे किसी जात धन या पैसों से नहीं, सिर्फ शख्स से प्यार होता है, इसे कहते हैं सच्ची मोहब्बत। एक्चुअल में ये सच्ची मोहब्बत है, जहाँ आप निस्वार्थ भाव से किसी से प्यार करें, खूबियों से नहीं खामियों से प्यार करें। ऐसा होता है, बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो ऐसा करते हैं मोस्टली, मगर आजकल तो क्या ही है प्यार, वो तो मैं भी नहीं कह सकती यहाँ पर। लास्ट में मैंने एक शेर लिखा था, मोहब्बत किसी की खूबियों से नहीं खामियों से करना सीखो, अक्सर खूबसूरत चेहरे इतराते बहुत हैं। सो फाइनली मेरी स्टोरी एंड होती है यहाँ पर, हैप्पी लाइफ के साथ।